एलेक्सा लाइट ऑन करो। सो हे गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट एवर एपिसोड जो मैं शूट करने वाला हूँ। आज अभी थोड़े देर पहले उठा हूँ, वेरी नर्वस। आई डोंट हैव एनी क्लू कि ये कैसे किया जाता है एंड हाउ टू डू दिस, कैसे बात की जाती है, किस टॉपिक पे बात किया जाता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया। बस बहुत टाइम से चल रहा था कि व्लॉग शुरू करना है, जस्ट टू कीप यू अपडेटेड मेरे लाइफ में क्या चलता है, कैसे चलता है। सो जस्ट उन्हीं रीजंस के वजह से आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस। सो अगर कुछ गलती होती है तो आई एम सॉरी अबाउट इट ऑलरेडी। कि अगर आपको थोड़ा बोरिंग साइड लगता है या फिर लगता है कि यार दिस इज सो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी बोल दूंगा। लेट्स सी ये कैसे होता है। मैं आपको जितना एंटरटेन कर सकूँ उतना एंटरटेन करने का ट्राई करूँगा, जितना आपको मेरे लाइफ में इन्वॉल्व करने का ट्राई कर सकता हूँ उतना ट्राई करूँगा। इस बीच अगर आपके पास कुछ सजेशन हो तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आप DM कर सकते हो, एंड ऑल्सो टैग ऑल माई सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गो अहेड डू दैट। सो हे गाइज, एक नई BT पहले ही व्लॉग में, पहले ही सीन में, दैट इज़ हाउ माई लाइफ गोज मोस्टली, कि उसमें बहुत BT चलते रहता है। सो दिस इज़ हाउ द BT वर्क्स। आज ही मैंने सोचा कि मैं व्लॉगिंग चालू करूँगा। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर व्लॉग एंड लुक वॉट हैपेंड। मेरी जो चेयर है ये जा चुकी है, ये टूट गई क्योंकि मैं अभी इसमें से गिरा हूँ। सो दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स फॉर मी। अब जा रहा हूँ मैं अपने छोटे भाई के साथ इस चेयर को फिक्स करने। लेट्स सी वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ। टेकिंग दिस चेयर। अरे अरे का टायर टूटला। ओह शिट। सो अभी न्यू खबर गाइस कि इस चेयर का टायर भी टूट चुका है। बाय द वे दैट्स माय ब्रदर हर्ष। जिसका बहुत जिक्र होने वाला है इस व्लॉग में क्योंकि ही इज माय रूममेट, ऑल्सो ही इज माय एडिटर। तो अभी टेकिंग दिस चेयर हमारे रिपेयर सेंटर। लेट्स सी इसका क्या हालत होता है। चलो देन, सी या। सो हियर वी आर गोइंग डाउनस्टेयर्स। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं चेयर को लेके। ये है हमारी चेयर। तो आज के वीडियो का शायद से मुझे टाइटल मिल चुका है, BT हो गई। सो इंट्रोड्यूसिंग यू टू BT ऑफ माई लाइफ, BT नंबर 1। हम लोग इसका काउंटर रखते हैं, ठीक है एडिटर, याद रखना इसका काउंटर रखते हैं। BT नंबर 1 इज दिस चेयर। Day 1 व्लॉग चालू करने वाले थे हम आज, और आज ही हमारा BT हो गया। तो ये ऐसा चेयर गाइस हम रख रहे हैं अभी। ये ऐसे चेयर आ गया है अंदर। ये है हमारी चेयर जो हम लेके जा रहे हैं। राइट नाउ वी आर इन एन IBM एरिया, और हम यहाँ से जा रहे हैं पिसोली, विच इज द फर्नीचर मार्केट हियर इन पुणे। तो वहाँ पे जाके, जहाँ से मैंने वो लिया था चेयर, वहाँ पे उनको पहले दिखाएंगे, वहाँ पे कंसल्ट करेंगे कि विल इट बी रिपेयर्ड या फिर उसको रिप्लेस करवाना है, नया लेना है, वॉट एवर इट इज। सो दैट इज द रीजन वाई अभी हम वो एरिया में जा रहे हैं। और लेट्स सी, हम आ गए हैं पिसोड़ी एरिया में। ये ट्रेड पार्क है जो अभी अभी खुला है, मतलब इट्स इनॉग्रेटेड नाउ। उसमें बहुत सी नई नए स्टोर्स और ये सब खुल रहे हैं। ये है द फर्नीचर मार्केट वेयर वी आर गोइंग राइट नाउ। काफ़ी किफ़ायती कीमतों, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, सो कीमतों पर यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है। थैंक्स एडिटर भाई साहब। तो काफ़ी किफ़ायती कीमतों पर यहाँ पर चीज़ें मिलती है फर्नीचर की। सो अगर आप कभी पुणे में आते हो और आपको फर्नीचर बाय करना है, सो यू कैन ऑलवेज रेफर, और आयल से कि आप प्रेफर कर सकते हो किसी को, ठीक है। मुझे पता नहीं, मेरा फर्स्ट व्लॉग इसलिए शायद से मैं काफ़ी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं रहा है क्या बात करनी है। सो इसलिए आई एम फम्बलिंग गाइस, तो थोड़ा सा उसको भूल चुक माफ। दिस इज द ओरिएंट फर्नीचर पैलेस जहाँ से मैंने ये चेयर्स खरीदी थी। सी अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम। वी आर हियर ऑलरेडी। दिस इज अ टू ट्रैफिक की प्लेस। टायर, इसका टायर रह गया था तो टायर निकाल लिया है। व्हाट द फक। सो नई BT गाइस की, दो टायर अब इसके निकल चुके हैं। आई डोंट थिंक सो इसका कोई रिपेयर हमें मिलने वाला है। BT काउंटर 2 हर्ष लगा देना प्लीज अपने ब्लॉग में। ओके गाइस, नई BT।
दिस इज द फर्नीचर प्लेस दैट वी आर हियर। देखते हैं अभी बात करते हैं भैया से। सो अभी जस्ट हम घर पे आ गए हैं गाइस। चेयर का सीन आ रहे हो, ऐसा हो गया कि उसका बेस टूट गया है चेयर का। वेरी बैड, चेयर का बेस टूट चुका है और उन्होंने बोला कि शायद से वो 2 दिन लगेंगे रिपेयर होने को, तो चेयर हम उधर ही छोड़ के आए हैं। एज द टाइटल गोज की बीटी हो गई लाइफ की। सो बीटी नंबर काउंटर 3-4 शायद से जितना भी है। सो बीटी, नया बीटी ये हो गया है कि आज हमारी, आज ही बराबर जिस दिन हम आज बाहर गए थे, आज ही हमारे बराबर मेड नहीं आई है और हम गरीब, हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हम बैचलर्स रहते हैं, इसके वजह से अभी हम लोग ये मिल्क और उसके साथ बिस्किट्स। सैड लाइफ, टाइटल अगेन बीटी हो गई। अभी जस्ट काम खत्म हुआ है, अभी बज रहे हैं 3 और अभी सोने की बस तैयारी चल रही है। काफ़ी एग्जॉस्टिंग दिन था आज, टू मच वर्क प्रेशर और 2-3 साइड बाय साइड काम भी आ गए थे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई आज पूरा दिन प्रॉपर चेयर पे बैठ के ही काम हुआ है। बाय द वे चेयर थी नहीं मेरी वाली, तो आई एम यूजिंग दिस प्लास्टिक चेयर, जिसके वजह से बहुत हालत हुई है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हुआ है उसके वजह से। सो अब देखते हैं चेयर वाला भी सीन क्या होता है। आई कीप यू ऑल पोस्टेड। आ गया हूँ बेड में, गॉट ऑल कोजी और अभी सोने जा रहा हूँ। तो शुभ रात्रि, ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एलेक्सा लाइट बंद कर दो।